subscribe to TechEase and press notification bell to get notified about TechEase videos. This video is sponsored by Powerfuel India, a multi-brand dietary supplementary store. तो गाइस ये और कोई गाड़ी नहीं है, ये कोई पल्सर या बुलेट नहीं है, बल्कि ये है TVS Ntorq. आप पूछ रहे होंगे कि इस गाड़ी को मैंने कैसे अपने टेक व्यू में ले लिया, क्योंकि मेरा टेक चैनल है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसका मैं व्यू देता हूँ. तो बाइक कहाँ से आ गई इस चैनल के अंदर? तो बाइक ऐसी आ गई क्योंकि ये बाइक है टेक के रिलेटेड. बाइक के अंदर ब्लूटूथ है और बाइक में काफ़ी टेक्नोलॉजी लैस की गई है, जिसके लिए वीडियो मैंने इंक्लूड किया है. गाइस तो चलिए शुरू करते हैं TVS Ntorq. गाइस इसकी आवाज़ जो है साइलेंसर की तो कुछ पल्सर जैसी है या कोई बाइक जैसी है. तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये इसका आउटपुट है, ये रहा आउटपुट, और काफ़ी अच्छे से रिटर्न किया गया इसका. ये मफलर बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है और आवाज़ ऐसी लगती है कि कुछ बहुत जान है, बहुत दमदार गाड़ी है. ये देख सकते हैं कि यहाँ पर TVS का मार्क लिखा हुआ है TVS, और ये 125cc का है, इसमें इंजन है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाम रेस्ट दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 valve. जी हाँ, ये 3 valve की स्कूटर है. और ये जो आप देख रहे हैं ये एयर फिल्टर है. जनरली एयर फिल्टर जो होता है वो अंदर होता है, डिग्गी के नीचे अंदर की तरफ, और एयर फिल्टर साफ करने के लिए इंजन का थोड़ा काम करना पड़ता है. लेकिन इसके अंदर आपका एयर फिल्टर बाहर से दिया हुआ है, आप चाहे तो खुद ही ये स्क्रू खोल के एयर फिल्टर से निकाल करके उसका एयर फिल्टर से साफ कर सकते हैं. तो इसमें कोई इंजीनियर का वर्क नहीं है, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको दिया गया है गैस फील्ड सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन बहुत ही खूबसूरत है. गैस फील्ड सस्पेंशन जो है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक इस स्कूटर के अंदर, बहुत ही क्वाइट है और बहुत ही आरामदेह है. मतलब ये कि जो साथ में आपके बैठा हुआ है आपके पीछे सीट पे, उसको फील नहीं होता है कब जो है गाड़ी खड्डे में गई या खड्डे से बाहर निकली, या कभी वो स्पीड ब्रेकर चढ़ी और कब उतरी. और अच्छे से इसमें फीलिंग आती है. डिज़ाइन है, कंपनी ने डिज़ाइन बना कर दिया है TVS Ntorq. ये टी लाइट जो है वो जल जाती है, और ये ब्रेक लगाने पर ये लाइट जलती है. और यहाँ पर TVS का अच्छा सा लोगो दिया हुआ है, उस रखा चमक शाइन कर रहा है. और ये जो है ये आपके साथ में ये नंबर प्लेट की लाइट है, ये लाइट नीचे पड़ती है नंबर प्लेट की. दोनों तरफ जो लेफ्ट राइट के जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं लेट, ये बहुत ही खूबसूरती से प्लेस किए गए हैं. ये अपने आप में प्लेस पीछे की तरफ दिए गए इस तरह से, और ये फिक्स लोकेशन पे है, टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं. टायर की बात करें तो टायर 12 इंच का ऑल व्हील का टायर दिया गया है इनमें, और ये टायर के अंदर डायमंड कट है, ये देखिए. और टायर जो है बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर 30° लीनिंग आ जाती है पोजीशन, यानी कि बाइक इस तरह से बाइकर रेसिंग बाइक की तरह से हो जाता है ये. ओवरऑल गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी बहुत खूबसूरत डिजाइन की गई है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये कॉब बने, जो एडजस्ट हैं, ये कट है, ये बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है कट. और ये कट देखिए आप, ये कट इतना बनाया खूबसूरत सा. यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि इधर वाल पर डायमंड कट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायमंड कट है. एक ये कट आया, एक दूसरा ये कट आ रहा है, तो ये कट आ रहा है. और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है Ntorq 125. रेड कलर जो है बहुत गटअप मार रहा है येलो कलर ऊपर 125. रेड कलर की जो गाड़ी है एक्चुअली रेड कलर नहीं है वो, और वो है मैरून कलर. और ये येलो का जो कलर जो है ये है, ये येलो कलर नहीं है, ये है मैंगो कलर. इसके जो मैरून कलर है वो थोड़ा ब्लैक में मिक्स हुआ जा रहा है, उल्टा ये येलो कलर ब्राइट है. और ग्रीन कलर मुझे मज़ा नहीं आया देखकर के, इसलिए मैंने यही गाड़ी चूज़ की है. देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल टैंक, जो इसको Ntorq का लोगो लिखा हुआ है फ्यूल टैंक. और इसको फ्यूल टैंक में भी 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और प्लास्टिक का अंदर फ्यूल टैंक दिया हुआ है. और ये सीट है, सीट काफ़ी स्पंजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसे मिलता है. मैंने ड्राइव की है एक्टिवा भी और उसकी गाड़ियाँ भी, लेकिन इसके जो मुझे फील आया है ड्राइविंग का, जो सीट का, मुझे और किसी गाड़ी में नहीं दिखाई पड़ा है. बहुत ही अच्छा फील आता है. और लोग कह रहे थे कि इसकी सीट छोटी होगी और इसकी सीट बड़ी होती एक्टिवा की या ग्रेजिया की, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने कुछ ऐसा कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि ये सीट अगर मैं नापूंगा तो मेरे हाथ के हिसाब से, जो मेरा हाथ लंबा भी है, ये 1, 2, 3 इंच और 2 उंगल की ये सीट यहाँ पे आ रही है. जबकि ये भी काफ़ी चौड़ाई है, ऐसे बुरा नहीं है, ये काफ़ी चौड़ा है और सीट लंबी है, यहाँ निकली भी है यहाँ तक के. तो आप अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको कोई साथ में कीड़े के बच्चा है तो आप यहाँ बैठा सकते हैं बच्चे को, तो आराम से आपका बच्चे बैठ सकता है. प्लस जनरली ये कट जो होता है वो कर्व में होता है आपके, इसका जो ये जो कट दिया हुआ है खूबसूरत सा, वाकई में बहुत बड़ी डिज़ाइन किया हुआ है Ntorq के इंजीनियर्स ने, Ntorq के डिज़ाइनर्स ने, TVS के डिज़ाइनर ने, बहुत कमाल काम किया हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है. इसके अंदर आपको लेग रूम अच्छा मिल जाता है. तो आपको अगर आप यहाँ से आगे होकर बैठ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अगर पीछे कम पड़ी है या कोई आदमी है या औरत है, लेडी है जो काफ़ी मोटी है, आपको यहाँ जगह कम पड़ी है, तो आप जो हैं
तो आप जो है थोड़ा सा आगे यहाँ बैठ सकते हैं खिसक करके। आगे बैठने पर भी आपके टांग जो है, चाहे आप कितने लंबे हों, जैसे मेरी हाइट जो है लगभग 5.9 और 10 इंच की होगी, लेकिन मेरे पैर भी यहाँ बैठने पर भी यहाँ पे लड़ते नहीं है। मैं कंफर्टेबल बैठ जाता हूँ, कंफर्टेबल मेरे ड्राइविंग हो रही है, लेफ्ट साइड से घूम रहा है, कोई इश्यू बिल्कुल मुझे फेस नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत बजट डिजाइन किया हुआ डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे और बहुत आरामदेह है इस डिजाइन के अंदर। मैं यहाँ बैठा हूँ, सही हाइट काफी लंबी है, मेरे पैर भी काफी लंबे लंबे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैर रख लेता हूँ तो मुझे फिर भी इतनी स्पेस मिलती है स्पेस। अगर मैं आगे आ जाऊंगा एकदम आगे, पीछे सीट खाली पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी मुझे जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन स्पेस के अंदर। तो मतलब ओवरऑल गाड़ी स्पेस बहुत है, काफी बढ़िया स्पेस बना के रखी है लोगों ने। ये जो कॉम दिया है ये बहुत बढ़िया कॉम दिया हुआ है, पीछे का जगह बहुत सही है। तो अगर ऐसे बता देने की कहीं स्पेस कम है गाड़ी के अंदर, गाड़ी में स्पेस नहीं है भाई, जगह नहीं मिलती है, जगह बहुत है। गाड़ी के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है, ये जो है LED है, ये ग्लो होती है ऑन करने पर। ये देखिए आप देख रहे हैं ये बैट टाइप की स्टाइल, ये विंग दिखाई पड़ रहा है, ये बैट दिखाई पड़ रहा है, बैट टाइप का इसका जो है ये लोगो दिया हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है। डे टाइप रिंग लाइट्स जो BS4 की रिक्वायरमेंट है, जो बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कि BS4 में आपके लाइट चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है कि ये पूरे हेडलाइट को बंद कर दिया है, एक यहाँ लाइट जला दी LED की, जिससे आपका BS4 का रिक्वायरमेंट हो गया और खूबसूरती मेंटेन रही। तो ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट इन्हें बनाया हुआ है। और यहाँ पर कोई भी लेफ्ट राइट का आपको नहीं मिलता है नोटिफिकेशन लाइट, ये सिर्फ एक मेन हेडलाइट है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो ये मडगार्ड है, फ्रंट मडगार्ड ब्लैक के अंदर येलो बहुत अच्छा से गटअप मार रहा है, खूबसूरती से बनाया हुआ है। और ये पूरी बॉडी जो है ये फाइबर की है, इसमें कोई मेटल पीस नहीं है। तो हो सकता है किसी को ये लगे ड्रॉबैक कि इसके अंदर मेटल पीस नहीं है, पर आजकल सब यही चल रहा है, मेटल पीस नहीं मिलता है। और मुझे पता नहीं क्यों इन्हीं ने मेटल पीस नहीं बनाया, क्या पता हो सकता है शायद क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी बाकी गाड़ियों से महंगी है, सॉरी बाकी गाड़ियों से हैवी है, वजनी है, तो इन्हें शायद वजन कम करने के लिए मेटल पीस निकाल के ये फाइबर बना दिया होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्सचर है बहुत खूबसूरत टेक्सचर दिया हुआ है ब्लैक के अंदर, ये देखें टेक्सचर दिया हुआ है, ये सादा सिंपल सा ही प्लास्टिक नहीं है, इसके अंदर काफी काम भी किया हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये अच्छा सा बहुत ही बड़ा सा स्पीड ट्रैक का बनाया हुआ है इन्हीं ने, ये स्टिकर 125, ये देखिए रेसिंग स्पीड रेसिंग ट्रैक बनी हुई है यहाँ पे भी आपको मिलेगा टेक्सचर, यहाँ पर दिख रहा होगा टेक्सचर, ये देखिए। तो ये टेक्सचर तो स्टिकर बनाया हुआ है और ये जो एंगल बनाया हुआ है ये एल टाइप का, ये एंगल और ये एक यूनिक चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। यामाहा में एक्सो की गाड़ी भी देखी है मैंने, इसके अंदर भी ये स्टाइल नहीं दिया हुआ है, अलग डिजाइन दिया हुआ है, ये अपने आप में एक शाहकार, अपने आप में एक अलग पीस दी गई है, बहुत सोच समझ के बनाई गाड़ी। हालांकि कंपनी को गाड़ी फाइनल करने में 4 साल लगे हैं, पर जो आया वो बहुत बढ़िया सा निकल के आया है। कंटिन्यू करते वीडियो को, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये फ्रंट जो है यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये बढ़िया सा है पर इतना अच्छा नहीं है, इतना मुझे इसमें अच्छा ही नहीं नजर आई जितना कि बैक मुझे नजर आई है। पर एनीवे इसमें एक बढ़िया सस्पेंशन दिया हुआ है और ये 12 इंच के व्हील के ऊपर ये जो इसका पूरा ओवरऑल व्हील है बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर इसमें 10 इंच का ही व्हील होता है जैसे कि बाकी स्कूटर में दिया हुआ है तो इसके अंदर ओवरऑल पूरी जो जान है, जो पूरी ताकत है, जो पूरी लुक है पूरा खत्म हो जाता था। जैसे कि यामाहा FZR में उसके अंदर 10 इंच का व्हील दिया हुआ है तो पूरा खत्म होता है, गाड़ी लगती है, बैटरी भी है, छोटी गाड़ी लगती है, हेड कम रहती है उसकी। इसके अंदर बहुत बढ़िया से मेंटेन किया सब कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है TVS रेसिंग और ये जो है ये भी प्लास्टिक ही है, इसमें कोई भी मेटल नहीं दिया हुआ है, ये प्लास्टिक दिया हुआ है, ये देखिए ये हिल भी रहा है, हालांकि ये फिक्स है पर यहाँ पे कंपनी को एक जॉइंट देना चाहिए था स्क्रू मार के ताकि ये हिलता नहीं, तो पता नहीं किस वजह से कुछ अगर हिल नहीं रहा है तो कुछ टेक्निकल विजय होगी ये हिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर जब गाड़ी जब चलती है और बम्पर आता है तो उस वक्त ये अगर बम्पर लगेगा और फिक्स होगा तो ये टूट सकता है, इसलिए शायद इन्होंने जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसको लूज रखा है ताकि ये टूटे नहीं। ये बात करते हैं यहाँ पे फुट रेस्ट की, तो ये फुट रेस्ट जो है वही मेटल नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, पर ये मुझे लग रहा है कि ये सेरेमिक मेटल दिया हुआ है, सेरेमिक है ये और ये काफी खूबसूरत बनाया हुआ है, जैसे कि बाइक में होता है इस तरह की जो टेक्सचर है ये आपको यहाँ भी मिलेगी, ये देखिए ये टेक्सचर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये रहा टेक्सचर, ये टेक्सचर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है, इसके अंदर कुछ जान लग रही है, यानी कि ये सीधा सिंपल सा फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर टेक्सचर दिया हुआ है बहुत बढ़िया सा। अगर हम बात करते हैं फ्रंट पैनल की तो फ्रंट पैनल में आपको सब जानते हैं, फिर भी बताता हूँ, फ्रंट पैनल में आपको मिलेगा 4 इंच का डिस्प्ले, इसके अंदर आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, फिलहाल इसके अंदर अभी कितना हीट हो रहा है दिखा रहा है, कितना हीट इंजन है और यहाँ पर ये पेट्रोल दिखा रहा है, कितना पेट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर TVS का घोड़े का लोगो दिया हुआ है और TVS ने बहुत बड़ा कमाल किया हुआ है कि होंडा को पीछे छोड़ दिया है, सुजुकी को पीछे छोड़ दिया है, ऐसी गाड़ी इन्हें निकाल दी है, एकदम रेवोल्यूशनरी निकाल दी है गाड़ी। और अब इसको देख करके और भी जो मैनुफैक्चरर्स हैं होंडा वगैरह है वो भी कुछ इसमें अच्छा निकल के आएंगे, ये एक रेवोल्यूशन हो सकता है बाइकर्स के लिए, बाइक सेगमेंट के अंदर जो इन्होंने जो स्कूटर के अंदर ये डिस्प्ले देकर रखा हुआ है, ब्लूटूथ इसमें इनेबल्ड है, इसके अंदर आपको कॉल आते हैं, इसके अंदर पूरी गाड़ी स्टैटिस आपको फोन भी मिल जाती है, इसमें ऐप भी दिया हुआ है, इसमें ट्रिप भी है, इसके 2-3 मोड भी दिए हुए, इसके अंदर स्पोर्ट मोड है और ये राइट स्टार्ट लास्ट मोड है और बेस्ट लैप है, स्ट्रीट मोड है, अलग अलग मोड दिए हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में मोड में आपको दिखा दूंगा, फिलहाल अभी ऐसे मोड ही दिखाई रहा हूँ। और ये आपको जो है ये
ये पास बाई की लाइट है, ये प्रेस करेंगे तो पास बाई, और यहाँ पे भी लाइट जलती है जब आप कार प्रेस करते हैं तो। और ये देखिए ये ऊपर की लाइट है और नीचे की लाइट ऐसा दिया हुआ है लोगों ने अच्छा सा। और ये जो लेफ्ट राइट बताने जो आप ये लेफ्ट करी है तो यहाँ पे लेफ्ट का ब्लिंक होता है, यहाँ पे लाइट जलती है लेफ्ट की भी, ये सकते हैं कि लेफ्ट की लाइट कितनी खूबसूरती से चलती है और बहुत बढ़िया लगता है लेफ्ट राइट का सिस्टम यहाँ पे। और आप करना है तो आप यहाँ से एक बार इसको पुश कर दीजिए बटन, तो ये ऑफ हो जाता है, पुश करने पर आपको वापस से इसको यहाँ पे लाइट में जरूरत नहीं पड़ती है, ये पुश करिए तो आपका ये लाइट ऑफ हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेक है कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे आप ब्रिज पे गाड़ी खड़े कर रहे हैं या ब्रिज के ऊपर चढ़ाई में आप गाड़ी खड़ी करनी है ट्रैफिक में रुके हुए, तो फिर गाड़ी जो है पीछे आती रहती है तो उस टाइम भी क्या करना होता है आपको, आप यहाँ पे ये प्रेस करके यहाँ पर आप उसको प्रेस कर लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर लॉक लग गई है तो आप ये स्टेबल सीखिए, आप आगे पीछे जाएगी नहीं गाड़ी अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई पर है या किसी और जगह पर है तो। इसको वापस से एक बार ये प्रेस कर लीजिए, छोड़ जाता है और ये लॉक हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा लाउड स्पीकर ऐसा है, मतलब कि जो हॉर्न है बहुत लाउड है, लगता नहीं कि कोई ऐसा लगता है कि बड़ी गाड़ी चली आ रही है, कोई छोटी गाड़ी नहीं है उसकी वजह से। और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, ये जो फ्लोर से जो हाइट है अच्छी खासी हाइट है, लो हाइट नहीं है। एक्टिवा में या दूसरी गाड़ी में आपकी थोड़ा से लो हाइट होती है, होती है इसकी हाइट, उसकी हाइट ऊँची है तो आपको अगर आप लंबे भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो जाता है प्रॉपरली। ये जो है ये रहा आपका हुक, यहाँ पे हुक दिया हुआ है जिसमें आप खुला सकते हैं, लटका सकते हैं कोई सामान आपका। और यहाँ पे भी आपको एक हुक दिया हुआ है नीचे वाल, ये देखिए ये रहा हुक, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ्लोर जो है ये जो है प्लास्टिक है ये, और ये मैट नहीं है, आपको लगा मैट दिया हुआ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्लास्टिक में ही ऐसे ऊपर नीचे से दिए हुए हैं ग्रिप मिलने के लिए। आप चाहें तो इसमें एक मैट रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, मैट लगाना जरूरी है, मैट जरूर लगा लीजिएगा। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर के अंदर आपको वही मिलते हैं अलॉय व्हील 12 इंच का टायर है जिसे मैं आपको पहले बताया था, और इसके अंदर में ये जो डिस्क ब्रेक है ये बहुत खूबसूरत सा डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। तो डिस्क ब्रेक जो है वो 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत सा डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। देखिए ये कट जो है ऐसे सिंपल राउंड कट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है जिस तरह से पैटर्न बना के रखा है इन लोगों ने, और स्पोर्ट टाइप का लुक भी दिया हुआ है इसके हिसाब से, ये डिस्क ब्रेक भी स्पोर्ट टाइप का ही बनाया हुआ है। दूसरी गाड़ी भी देखा है मेरे यामाहा में, उसके अंदर गोल्ड सर्कल का डिस्क और छोटा डिस्क है, इसमें बड़ा डिस्क है क्योंकि इसके टायर बड़े बड़े भी हैं। फ्रंट की तरफ बात करेंगे तो फ्रंट के अंदर भी आपको यहाँ पे एंटॉक का लोगो चिपका हुआ है, बेसिकली स्टीकर है ये निकल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये धोने टाइम पे ये जो है इसका निकले नहीं, स्टिकर लगा हुआ है, ये कोई प्रिंटेड नहीं है ना ही कोई लोगो 3D लोगो चुका हुआ है, ये स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया से दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पर भी देखिए इसके अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छी है, ये लाइट के अंदर ये देखिए दिख रहे हैं क्या बढ़िया डिटेलिंग की लोगों ने, डिटेलिंग बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर। TVS के लोगो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, सामने से अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरा लुक देखेंगे तो पूरे लुक के अंदर भी आपको इसमें बहुत जान नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि अभी बस ये खड़ी हुई है और दौड़ पड़ेगी, चल पड़ेगी और कूद पड़ेगी गाड़ी, किस तरह से लग रहा है। और ये जो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी आँखें हैं दो और आँखें जो घूर के देख रही हैं और आगे आपको चढ़ाएंगी। मुझे तो बहुत पसंद है ये गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी खरीद भी ली है। लुक एंड फील तो बहुत बढ़िया था, जैसे मैं बता दूँ आपको ये डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया है, ये जो ये जो कव दिया है लोगों ने ये एक नंबर कव दिया है, वैसे कब मैंने देखा नहीं। हाँ दूसरी गाड़ी में आपको जो होंडा की डियो है उसमें आपको ये कव मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी फैला हुआ कव है क्योंकि इसके अंदर ये लाइट जो है यहाँ पे दी हुई है तो बहुत बड़ा सा ऐसे बल्कि हो जाता है उसका कव, ये अच्छा खूबसूरत दिया हुआ है। और ये जो यहाँ पे जो लीनिंग दी है ना, ये कट ये पतला और ये चौड़ा और यहाँ पे ये सब बहुत बहुत बढ़िया सा दिया हुआ है इसके अंदर। कंपनी ने सीट जो बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है, फ्लेक्सीबल है और बहुत अच्छी इसको फील आता है, पीछे बैठने वाले को भी अच्छा लगता है। और ये जो सिलाई है इसकी दो रेड कलर की सिलाई, ये बहुत अच्छा गटअप मार रही है इसके अंदर। आपको कंपनी ने ये एंटॉक का भी लेबल ला कर दिया हुआ है जो कपड़े का है, और अच्छी सिलाई दी हुई है, अच्छा सा डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो पीछे बैठने वाला आदमी है वो बैठ कर के पीछे आपका ये जो है ग्राइबिंग हैंडल है ये पकड़ सकता है, इससे आपको सेफ्टी मिलेगी पकड़ने के लिए, और बहुत बढ़िया सा है और बहुत मजबूत है ये, और फुल ग्राइबिंग मिलती है इसके अंदर, देखिए फुल ग्राइब मिलती है यहाँ से वहाँ तक की, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा पीछे वाले बैठने वाले को। मैंने इसकी टेल लाइट चालू कर ली है देखिए पीछे की, तो ये बहुत ही अच्छी सी दूर सीट आप देख सकते हैं कि दूर से भी बहुत बढ़िया लग रही है पीछे की टेल लाइट। आप देख सकते हैं कि ये अब मैं इसको करीब लेके जा रहा हूँ तो जाते ही करीब करीब ये आ गई, मैं ब्रेक लगाऊंगा तो इसके ऊपर की लाइट जो है ब्रेक लाइट चालू रहेगी और ये डिफॉल्ट लाइट है जल्दी रहेगी, ये ब्रेक लाइट है और बहुत खूबसूरत सा उसमें इफेक्ट आ रहा है अंदर, काफ़ी जो है वर्क किया हुआ है इसके अंदर के अंदर। और ये जो है ये बहुत ही एक नंबर का दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। कहते हैं कि इसका जो ओवरऑल लुक है बहुत ही डिसेंट लुक दिया हुआ है, स्टर्डी लुक है, लगता नहीं गाड़ी हल्की फुल्की होगी, गाड़ी काफ़ी भारी गाड़ी भी है। और साथ में इसका ये जो हिस्सा देखिए ना, ये हिस्सा
ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है ना काफी फैटी है, ऐसे पतला नहीं है, ऐसा लगे यहाँ जेंट्स गाड़ी है। सॉरी फॉर आर पीपल हु आर यूज एक्टिवा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो जिसका जो ये मोटापा जो है ना वो दिखा रहा है आपको कि बहुत ही स्टडी है और बहुत पावर है गाड़ी के अंदर, और वाकई में गाड़ी में बहुत जबरदस्त पावर भी है। पिकअप बहुत बढ़िया है इसका, इसका टॉक पावर बढ़िया बढ़िया सा है, टॉक पावर भी रेटिंग अच्छी है और इसका आरपीएम अच्छा है बाकी गाड़ियों से। तो आइए देख लीजिए इसको पूरी तरह से चारों तरफ से किस तरह की लिख लीजिए फोर ऑल द फोर साइड से लेकर के। और ये देख सकते हैं कि ब्लैक और येलो कलर वाकई में बहुत दिलकश है। हालांकि इसे बहुत सारे रिव्यूज आ चुके हैं गाड़ी के, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हर आदमी का अपना अलग तरीका होता है वीडियो बनाने का, अपना अलग तरीका होता है समझाने बताने का। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ नया लगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें कुछ नया लगे भी, क्योंकि वीडियो प्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं सब तरह से मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है पूरी तरह से। और ये गाड़ी जो है वो अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जो मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के अंदर सिर्फ 5-6 जगह पे अवेलेबल हो पाई है। जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था उस वक्त सिर्फ 2 जगह पे अवेलेबल थी, और अब आ गई है 2-3 जगह पे और भी, लेकिन अभी भी गाड़ी की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी क्रेज़ है। आप जहाँ भी ये गाड़ी लेकर निकलते हैं तो लोग पूछते हैं गाड़ी कौन सी है, कहाँ से आई है, कितनी गाड़ी है, और आपकी शान जो बढ़ जाती है, आपकी जो है खुशी बढ़ जाती है कि आपने वो गाड़ी ली है जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है या लोग पहचाने की क्या चीज़ लेके आ गए हैं। और इसके अंदर इंजन के नीचे जो टायर है वो टायर में भी देखिए ये कवर दिया हुआ है, मडगार्ड दिया हुआ है, ताकि अगर कीचड़ मिट्टी जो है आपकी इंजन की तरफ ना बढ़े। वैसे ये जैसे में आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिको में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है ये चीज़। और इसका ये जो है येलो कलर का ये जो लगा हुआ है ये अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है अपने आप में, एक ये जो है गेटअप अच्छा इसका लुक आ रहा है, अच्छा गेटअप दे रहा है ये। और गाइस इसके अंदर दिखा दूँ, बता दूँ कितना पावर है। हम बात करें पावर की तो पावर के जो है इसके अंदर 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड सिलेंडर है ये इंजन, इसका एयर कूल्ड है। और इसका जो फिल्टर भारी दिया हुआ है, अंदर नहीं दिया हुआ है, और इसके अंदर 125cc का इंजन दिया हुआ है, और वो भी 3 वाल्व के साथ में, तो 3 वाल्व के साथ में है तो आपको पावर बढ़ जाता है, आपके फीचर्स बढ़ जाते हैं इसके अंदर। सर मैक्सिमम टॉर्क जो है 10.5 mm का टॉर्क है, जिसके अंदर 5500 rpm दिया हुआ है। 10.5 mm का टॉक जो है वो टॉप मोस्ट टॉक है, इस वर्ड के अंदर किसी में नहीं दिया हुआ है, यहाँ तक कि ग्रेजर में भी आपको इतना टॉक नहीं मिलता है। अगर मैं बताऊँ कि टॉक की मतलब क्या होता है, टॉक मतलब कि ये होता है कि जब आपके जो जो इंजन स्टार्ट होता है और जो गाड़ी को पुश मिलता है ना उसको टॉक बोलते हैं, जो पहिया जो घूमता है पुश मिलता है उसको टॉक बोलते हैं। जितना आपका टॉक अच्छा होगा उतना आपको पिकअप अच्छा होगा, इसके लिए पिकअप बहुत बढ़िया है क्योंकि टॉक बहुत हाई है। पिकअप की बात करें, पिकअप जो है वो एक 5 सेकेंड या 8 सेकेंड 0 से लेके 60 की स्पीड पकड़ लेता है, और स्मूथ बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है, और 95 या 90 की स्पीड पर भी आपका जो है इसके अंदर शेकिंग या शैमरिंग या ये कि थर 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 ऐसी शेकिंग नहीं होती है, और स्टेबल गाड़ी चलती रहती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, कंपनी ने जो क्लेम किया है वो वाकई में सही क्लेम किया हुआ है। और इसका जो ये जो मिरर है वो बहुत ही खूबसूरत से मिरर आप दिखाई पड़ेंगे, देखिए बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया है मिरर का भी, मिरर में भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मिरर बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे से भी शेप अच्छा है मिरर का, और काफ़ी बड़ा और वाइड वाइड मिरर है। और यहाँ पे स्पोर्टी मिरर दिया हुआ है लोगों ने, और यहाँ पे आपको मिला हुआ है स्मार्ट कनेक्ट जो ब्लूटूथ का काम कर रहा है। ब्लूटूथ की अंदर बात करें तो ब्लूटूथ के अंदर आप जो है वो एक साथ में 5 या 6 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम ऑन करते हैं, मैं इसको लाइट घुमाऊंगा तो ये सीट खुलेगी, ये मैंने लाइट घुमा दिया है, ये सीट खुल गई है। और हमें ये दिखा रहा हूँ आपको कितनी जगह है, यहाँ पर आपको मिलती है 22 लीटर की जगह, ये रही इतनी जगह इसमें दी हुई है। और उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि आपका हेलमेट फुल बैठ सके। कहते ये फुल हेलमेट है, और फुल हेलमेट भी इसमें नहीं बैठ जाती है, मैं कंपनी ने थोड़ा थोड़ा कुछ काम करना चाहिए इसके ऊपर कि ये हेलमेट जो है फुल नहीं बैठती है, देखिए इतने सारा ठीक से बंद नहीं हो पाता। तो इसके अंदर हाफ हेलमेट बैठेगी, फुल हेलमेट नहीं बैठेगी, हाफ हेलमेट बैठेगी। और यहाँ पे सकते हैं कि यहाँ लाइट आपको मिलेगी हमेशा ऑन रहती है, जब भी आपको खुलते हो तो ऑन रहती है लाइट। और ये यहाँ पे रहा ये यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के, अच्छी खासी रोशनी आती है, अभी दिन में अगर रोशनी नहीं दिखाई पड़ी है, रात में पूरा एक रोशनी हो जाती है, पूरे अंदर कवर करता है पूरा अच्छी तरह से। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है इसमें चार्ज करने के लिए, बस ये बात पसंद मुझे नहीं आई कि इसके चार्जिंग पोर्ट जो है वो अंदर दिया है सीट के अंदर, जबकि ये बाहर देना चाहिए था, जैसे कि दिया हुआ है होंडा ग्रेजिया ने आपको बाहर दिया हुआ है, इसमें अंदर दिया हुआ है। बस एक ये पॉइंट भी समझ में आया इन्होंने क्यों किया है यहाँ पे क्यों किया है। हालांकि ये अंदर इंजन है काफ़ी हीट होती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ चार्ज आए हैं तो हीट ये भी होगा हीट होगा, तो हीट हीट में तो अच्छा नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है कि आपको हीटिंग इतनी बढ़ जाए, पर कंपनी ने ऐसे दिया हुआ है तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। और यहाँ से हम बात करेंगे इसके पेट्रोल टैंक की, इसको हम यहाँ पर लेफ्ट में घुमा देंगे तो ये खुल जाएगा, जिसका देखिए मैं घुमाता हूँ और ये खुल गया है। देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा ये प्लास्टिक का दिया है टोटल, ये बात पसंद नहीं आई मुझे ये प्लास्टिक दिया हुआ है, ये तो कम से कम जैसे मेटल का ये प्लास्टिक दिया कंपनी ने, पता नहीं क्यों प्लास्टिक दिया इसके अंदर। बस देखते हैं इसके अंदर किस तरह का इन्हें कंसोल दिया हुआ है, ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाती हैं, ये मैं ऑन करता हूँ तो ऑन करते आपको मिलता है डिस्प्ले, यहाँ शो करता है कि क्या क्या चीज़ें आपको
मिलती हैं। यहाँ पे अलर्ट कर रहा है कि आप हेलमेट जो है लगा लीजिए, 10 सेकेंड या 10 बार अलर्ट करें बंद, ये बंद हो जाएगा। यहाँ टाइम दिखा रहा है आपका, क्या टाइम चल रहा है अभी। यहाँ पेट्रोल दिखा रहा है, कितना पेट्रोल लेवल है। यहाँ पर इंजन कितना गर्म है अभी। इंजन सी पे है, इंजन कूलिंग पे है, और एच पी अगर हॉट हो जाता है, कहा जा रहा है था कि अगर इंजन जब हॉट हो जाता है तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद गाड़ी चलाइए, पर ऐसा कुछ करता नहीं है। जब तक इसको ऑन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अभी आया था हेलो अब्बास, और अभी थोड़ी देर में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे लेके आएगा। ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल, तो ये हो गया कनेक्शन हेलो अब्बास। यहाँ पे दिखा रहा है ब्लूटूथ, और यहाँ पे दिखा रहा है आपको बैटरी। ये मेरे फ़ोन की बैटरी दिखा रहा है, कितनी बैटरी है मेरी, और ये मेरे फ़ोन का नेटवर्क, कितना नेटवर्क है मेरे फ़ोन के अंदर। और इस दौरान में जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे कोई कॉल आएगा, तो इसके अंदर यहाँ पर जो है लिख के आएगा कि किसने कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर ब्लिंकिंग भी होगी, ब्लिंक होगा कॉल करने टाइम पर। एक नया फीचर दिया हुआ है TVS Ntorq ने, TVS ने, कि यहाँ पे जो है ना, जब ये ऑन ऑफ करते हैं गाड़ी को, ऐसे ऑफ कर लिया और ये गाड़ी में ऑन कर ली है, और जब इंजन स्टार्ट करके चलाते होते हैं, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंजन बंद करना होता है, तो यहाँ से ऑफ करना होता है, ऑन करना होता है। यहाँ पे एक कड़क दिया हुआ है, इंजन कट, ये दिया बटन दिया हुआ है, इंजन कट से आप जो है फ़ौरन इंजन बंद हो जाता है या ऑफ हो जाता है इंजन। आपको यहाँ से बार बार चाबी ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, और गाड़ी स्टार्ट है अभी। इस वक्त मैं यहाँ पे ये बटन दबा दूंगा तो ये मेरा इंजन बंद हो जाएगा। देखिए मैं बंद कर रहा हूँ इंजन, तो ये मैंने कट किया है, ये देखिए बंद हो गई गाड़ी। तो इस तरह से बंद हो गई ये गाड़ी, और एट द सेम टाइम यहाँ पर जब ये आपका ये बंद हो गया है, आपने ये बटन ऑफ कर लिया है, तो आप ये गाड़ी ऑन नहीं होने वाली किसी भी सूरत में, ऑन गाड़ी नहीं होगी। देखिए कितना ही मैं करता रहूँगा गाड़ी ऑन नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पे बंद किया हुआ है। ये कब जरूरत पड़ती है, जब आपने जो है ये ऑफ कर रखा है, कोई बच्चा जो है वो कुछ भी उंगली करके यूँ कर लेता है ट्रैफिक में या कहीं भी कर लेता है, तो आपको ईजी होता है कि ये ऑफ हो जाता है। तो गाइस ओवरऑल गाड़ी में बहुत बड़े फंक्शन दिए गए हैं, और इसके अंदर कंपनी ने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं दिया हुआ है, ना कोई बॉडीगार्ड है, ना इसमें हेलमेट दिया हुआ है, ना और कुछ दिया हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बाइक पसंद आई होगी, TVS Ntorq पसंद आई होगी। और अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन से सुझाव है या कुछ और क्वेरीज है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।